हेलो गाइस, तो आज है फ्राइडे। अभी 12:30 होने वाले हैं। हनी बनी को स्कूल से ले आई हूँ। कपड़े मैं जा रही थी लॉन्ड्री में डालने के लिए, तो मेरे हाथ से, मतलब हाथ से क्या, ये नीचे से ना ये वाला निकल गया, तो सारे कपड़े नीचे गिर गए। बेबो फटाक से आके कपड़ों के ऊपर सो गई। नॉटी गर्ल। सो गाइस, आज जैसे कि आपको पता है फ्राइडे है, एंड हनी बनी को स्कूल लेने जाने से पहले मेरा अपना 2 घंटे का मैं अपना मी टाइम स्पेंड करती हूँ। कहीं पे भी जाती हूँ, मॉल में हो गया कहीं पे, तो आज भी मैं वैसे ही निकल गई थी 9:30 के करीब, 10 बजे करीब मैं निकल गई थी। मैंने कहा 1 घंटा कहीं घूम लूँगी, और फ़ोन वगैरह मैं कुछ लेके नहीं गई थी, मैं कहा बस अपना मी टाइम ही इन्जॉय करूँगी, तो गई थी। बट पहली बार मेरी गाड़ी, जो MG वाली गाड़ी है ना, वो ठुक गई मुझसे। गाड़ी को 1 साल हो जाएगा अगस्त में, कुछ भी नहीं हुआ था आज तक। आज पहली बार ठुक गई, वो भी मुझसे, किसी से नहीं ठुकी। मतलब मैं पार्किंग कर रही थी, पार्किंग पूरा भरा हुआ था, एक ही पार्किंग खाली था 2 गाड़ियों के बीच में, जो गराज पार्किंग होता ना 90 डिग्री पार्किंग, तो वो लगाना था, तो मैं आगे करके पीछे को ला रही थी। तो आगे करते टाइम मुझे दिखा नहीं, छोटे छोटे जो साइकिल स्टैंड होते हैं ना, साइकिल रखने के लिए जो ऐसे लोहे का होता है, तो वो था। और पता नहीं कैसे नॉर्मली सेंसर बीप करता है, सेंसर भी बीप नहीं किया, या बहुत छोटा था इसीलिए सेंसर बीप नहीं किया, पता नहीं, सेंसर भी बीप नहीं किया। तो मैं आगे जस्ट करके पीछे करने वाली थी, तो जैसे ही जस्ट आगे किया तो धाड़ कितना साउंड हुआ, तो मुझे लग गया। बट मैं गाड़ी से उतरी, मैंने ना उल्टा साइड चेक किया, उल्टा साइड देखा तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं आराम से खुश होकर अपने मॉल में चली गई अपना अपना घूम फिर के। जब मैं वापस आई, दूसरे साइड देखा, तो दूसरे साइड में लगा है, थोड़ा सा लगा है गाड़ी में, और नीचे का जो एक होता है प्लास्टिक का एक होता है, वो निकल गया हल्का सा, और वो भी मतलब उसमें भी स्क्रैच आ गया है। तो मैं डर गई, मैं जी तभी गुस्सा करेंगे, एक तो नई गाड़ी पहली बार ठुकी, वो भी मुझसे ठुकी, तो जीत गुस्सा करेंगे। और उन्होंने फोटो खींच के उनको भेजा, तो बोला चलो ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जब अगर ऐसे कुछ गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो पुलिस को कंप्लेन करना होता है, फिर पुलिस आता है, फिर आपका इंश्योरेंस क्लेम होता है, ये होकर थोड़ा एक लंबा प्रोसीजर वो होता है। तो बट यहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी तो इन्वॉल्व नहीं है, मेरी है, तो हमें पुलिस केस जो कंप्लेन करके अगर इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करना है, जो भी करना है प्रोसेस पेमेंट वगैरह करके, वो अगर करना, जितने बोला देखता हूँ मैं आके, अगर ज़्यादा कुछ होगा रिपेयर करने के लिए जाना पड़ेगा ठीक करें, तो वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, वरना अगर थोड़ा सा कोई लगा है तो फिर छोड़ देंगे, देखते क्या होता है। बट खराब लग रहा है। सो गाइस, यहाँ पे बस खाना गर्म कर रही हूँ मैं, बस लंच में चावल बनाया और कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये गोभी पनीर की सब्जी रखी हुई है, थोड़े से अचारी चिकन भी रखा हुआ है, दही बैगन भी है, तो हम चारों का आराम से हो जाएगा। जीत तो फिलहाल अभी मीटिंग में गए, तो वो आएंगे तो खा लेंगे, तो हम चारों का हो ही जाएगा। शाम को एक्चुअली भाभी का कब से मन था कि गोलगप्पा खाने का, और मैं तो, मुझे तो गोलगप्पा एनी टाइम पसंद है, एंड माया को भी पसंद है, हम तीनों का आज प्लान बनाएंगे, हम लोग जाएंगे गोलगप्पा पार्टी करेंगे शाम को, गोलगप्पा चाट वगैरह से कुछ खाएंगे, तो इसीलिए। और डिनर में देखते हैं, अगर प्लान कुछ चेंज होता है तो डिनर में कुछ बनेगा, वरना डिनर में चाट पार्टी है इस टाइप को हम लोग करेंगे आज। तो हाँ, माया से एक बात मुझे याद है, अभी भी मैं माया से करीब 1.5 घंटा करीब बात कर रही थी फोन पे, तो एक बात बताती हूँ आपको। मतलब एक औरत को नीचा दिखाने के लिए कितना उसको गंदा बोल सकती है, आप खाली सोचिए। जो नॉर्मली, सॉरी, जो देविका ने हमें घर पे इनवाइट किया था उस वाले ब्लॉग में, तो बहुत सारे गंदे कमेंट्स आए हैं, तो उसको मैं इग्नोर करती हूँ। बहुत सारी लेडीज ही होती है जो ऐसे इस टाइप के कमेंट करते हैं, बट उनको मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, अगर कभी रिप्लाई करती हूँ तो वो उल्टा जवाब देंगे, तो ये मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, वो छोड़ो, मतलब उस सबको इग्नोर करो। बट एक मोहतरमा की बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगी, वो मुझे बहुत टाइम से, 2-2.5 साल से हर टाइम गंदा कमेंट करती है, पता नहीं इतना, अगर मैं उनको मतलब पसंद नहीं हो तो क्यों देखते हो ब्लॉग मेरा, अगर मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ। एनीवेज, तो छोड़िए, तो लास्ट की तरफ को माया के साथ में मैं मजाक कर रही थी। माया भाभी के साथ में मेरा क्या बॉन्ड है, मैं किसी को यहाँ पे बार बार प्रूफ करना नहीं चाहती हूँ, वो मुझे पता है, उन दोनों को पता है, एंड जो मेरी ऑडियंस बहुत टाइम से फॉलो करे उनको भी पता होगा। तो माया को मैं मजाक में ऐसे बोली, माया तू कल छुट्टी कर लेना, कल हम चाय पीने अभी जाएंगे, ऑब्वियसली वो चाय के लिए छुट्टी थोड़ी करेगी, मैं ऐसे मजाक में एक बोल रही हूँ। तो उस बात को लेके उन्होंने कमेंट इतना बड़ा लिखा कि
तुझे क्या पता है प्रोफेशनल लाइफ, छुट्टी लेने के लिए बोल रही है, तुझे तो बस घर संभालना है, बच्चे संभालना है, कैमरा उठा के आ जाना है, वो हाउसवाइफ को क्या काम है, जो जो काम पे जाते उनसे पूछो क्या प्रोफेशनल लाइफ है, इतना लंबा चौड़ा लिखा। तो मुझे वो कमेंट देखे बड़ी हंसी आई, मतलब कितनी गंदी सोच है कि हाउसवाइफ। फिर मैंने बस उनको एक कमेंट रिप्लाई किया कि थैंक यू आप मुझे रिमाइंड करने के लिए कि हाउसवाइफ यूजलेस होते हैं, बाकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो जैसे कभी मैंने कभी काम ही नहीं किया, कभी मैं ऑफिस गई नहीं हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं होता है ना। एनीवे थैंक यू, अब मुझे बताया कि हाउसवाइफ का कुछ काम नहीं होता है। तो मुझे रिप्लाई क्या करें, यस यू शुड बी रिमाइंडेड ऑफ योर स्टेटस टाइम टू टाइम, मुझे मेरी औकात उनको टाइम टू टाइम बतानी जरूरी है, मुझे मेरी औकात, ठीक है। उसके बाद जीत को खराब लगा जब मैंने ये रिप्लाई किया था, तो तुरंत उनका रिप्लाई आ गया था, तो शायद दिन भर फोन पकड़ के बैठती है। तो फिर शाम को ना जीत, शाम की बात पे मैं बोल, उसके बीच में क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगी। शाम को जीत को खराब लगा था, तो जीत ने भी रिप्लाई किया था कि क्या तुम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, मतलब उसने यहाँ पे काम किया, वहां पे काम किया है, अभी मुझे अपनी कंपनी में हेल्प कर रही है, जो भी उनको नॉर्मली उन्होंने लिखा, बट जीत को भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला है। तो छोड़ो, तुरंत ही जीत को भी रिप्लाई किया है। बीच में उनके पास इतना टाइम है और इतना नफरत करते हो मुझसे कि माया को फेसबुक मैसेंजर में ढूंढ ढूंढ के माया को मैसेज करे जा रही है दोपहर के टाइम पर, माया जब होटल में अपनी जॉब पे थी, कि ये लेडी ये करती है वो करती है, तुम्हें नीचा दिखाती है, आई नो कि तुम बहुत परेशान हो, ये वो, तुम मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दो, हम लोग बात करेंगे, ये वो। मतलब एक आपको अगर याद होगा, लास्ट दिवाली, मतलब 7-8 महीने पहले दिवाली की बात है, माया ने कफ्तान ड्रेस पहना था। तो माया जीत को राखी बांधती है, भाभी भी राखी बांधे, तो भाई बहन का रिश्ता है, तो भाई बहन में हंसी मजाक हमेशा चलता रहा, और जीत तो हमेशा मजाक करते रहते हैं माया के साथ में, भाभी के साथ में। तो जीत ने मजाक मजाक में बोल दिया था कि अनस्टिच ड्रेस पहना है क्या कफ्तान वाला जो है, तो ऑब्वियसली मतलब हंसी मजाक चल रहा था, और भाभी ने वीडियो कॉल किया था, तो मैंने बस भाभी को बोला कि जीत ऐसा बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला था, उल्टा मैंने बोला था कि माया अच्छी लग रही है, इंडो अरेबिक ड्रेस है, आपको कुछ नहीं पता, मैंने जीत को ऐसा बोला था। तो उस बात को लेके देखा, तुझे तेरी फिगर से वो जेलस है, क्योंकि खुद तो मोटी है, खुद तो इस टाइप का ड्रेस पहन नहीं सकती है, जस्ट ओनली थिंग इन लाइफ शी कैन डू इज शी कैन पुट ऑन वेट, मुझे बोल रहे हैं कि मैं खाली वजन बढ़ा सकती हूँ और लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हूँ। एनीवेज जो भी हो, तो ये सब इतना सारा मैसेज माया को उन्होंने भेजा है, और माया ने रिप्लाई किया मैं अभी होटल में हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ। फिर माया जाके, जब माया ने ये सब देखा, माया से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, माया को लगा कि ये क्या हुआ, तो माया ने जाके उस वाले ब्लॉग में उन्होंने जो कमेंट किया था उसके नीचे भी कमेंट किया कि हाउ कैन यू से कि बदतमीज औरत ये वो कैसे। तो उल्टा माया को कहा, हाँ गॉड ब्लेस यू, मैं तो सच बोल रही हूँ, तुम अपनी बेइज्जती करवाते रहो। उनको ये नहीं पता कि माया से मेरी डेली बात होती रहती है, फोन पे नहीं तो कम से कम मैसेज पे तो हो ही जाती है। उन्होंने ये इतना सारा मैसेज टाइप करने के बाद लास्ट को क्या लिखा है पता है, कि रेस्ट एश्योर्ड कि मैं ये मैसेज किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। उनको क्या पता कि माया ने उसी टाइम पे स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया था कि दीदी देखो ये कौन है जो मेरा दिमाग खा रही है। अभी भी फोन कर पे माया मुझे उसी बारे में बोल रही थी। मतलब एक औरत दूसरी औरत को नीचा दिखाने के लिए, गंदा बोलने के लिए, कमेंट सेक्शन तो कम पड़ गया उनको, कि कमेंट सेक्शन में तो क्या ही गाली दूं, मैं जाके सीधा माया से डायरेक्ट बात करती हूँ और माया से उसकी चुगली करती हूँ। बट भाई माया का मेरा क्या रिलेशन है आपको नहीं पता है, भाई हमारे बीच में आप घुस भी नहीं सकते, ठीक है। ये जो आग लगाने वाले आप काम कर रहे हो ना, ये ट्राई मत करो, बहुत हो गया, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, तो आगे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे मतलब वैसे तो बहुत सारे खराब कमेंट आते हैं मेरे उसको लेके, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, मैं क्या खरीद रही हूँ, उससे रिलेटेड। बट एक लिमिट होता है ना, हाँ कमेंट सेक्शन तक ये बात रहती है, अगर रिप्लाई करो तो उल्टा रिप्लाई आता है, तो कमेंट सेक्शन तक बात रहती है। ये तो मतलब उल्टा ढूंढ के मैसेंजर पे बात करना, माय गॉड इतना। एंड यहाँ पे ये बात मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इस पूरे जो इंसिडेंट का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, बस इसीलिए मैंने शेयर किया कि कोई औरत दूसरी औरत को इतना नफरत कैसे कर सकती है, बिना जाने, बिना कभी बात किए, बिना कभी मिले, 10 मिनट का ब्लॉग देख के इतना नफरत, ओ माय गॉड। और
आप जैसे लोग अपने आप को एडुकेटेड बोलते हो और दूसरों को औकात दिखाने के लिए आप बार बार कमेंट सेक्शन में आते हो कि तुझे तेरी औकात दिखानी है, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम यहाँ के रिमाइंड कर रही हूँ। माय गॉड, आप खुद सोचो, मतलब ऐसे डेंजरस लोग भी दुनिया में है। मतलब गॉड हेल्प, गॉड ब्लेस देयर फैमिली, गॉड ब्लेस देयर फैमिली, जो मतलब इस टाइप के है ना, उनके सराउंडिंग के लोगों को गॉड ब्लेस। ठीक है, आ रही हूँ आ रही हूँ। गाइस, हनी बनी का खाना पीना हो गया, तो अभी उनको कलरिंग करने का मन था, तो थोड़े टाइम कलरिंग कर रहे हैं। एंड मैं जा रही हूँ अभी नीचे, क्योंकि जीत आ गए हैं और मुझे पार्किंग में बुला रहे हैं कि जल्दी पार्किंग में आ, कहाँ पे गाड़ी ठुकी है दिखा, अभी मेरी क्लास लेंगे। सो यहाँ ऊपर पे थोड़ा सा लगा, यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच हुआ है, पता नहीं चल रहा है। ये वाला अंदर थोड़ा खिसक गया है और ये नीचे ये साइड से ऐसे पूरा निकल गया है बाहर। इस साइड का देखिए, जैसे पूरा प्लेन है ना सब कुछ, वो अंदर वो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ही हुआ है। मुबारक हो, मुबारक हो। इधर ये वाला, ये निकल गया है ये ऐसे, और यहाँ पे ये अंदर खिसक गया। ये ऊपर का पता नहीं चला ना, ऊपर का थोड़ा सा ही लगा है, बस नीचे का ही पार्ट लगा है। जो गुस्सा तो नहीं हो, गुस्सा गुस्सा तो नहीं हो? सर, एक ही चीज का, क्या कि तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था ये। मेरे से मैं, आप मुझे क्या फ्रॉम ड्राइवर से? हाँ भाई, सीरियसली। और मैं तेरे को पहले ही बोला था, जब कभी अभी शुरुआत में अगले एक साल तक जब भी तो कहीं पे भी लेके जाती है, 360 डिग्री कैमरा खुला होता है, उसमें भी दिखता है, लेकिन वो तू कभी देखती नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं ऐसे लगा देती हूँ। आज मुझे फ्रंट कैमरा से भी हो सकता है। और ज्यादा मत करो, नहीं वो फिर भी थोड़ा सा ऐसे है। अरे मैकेनिक को कर दिखा के करा देंगे, थोड़ा सा ही है कुछ। हाँ, तसल्ली हो गई कि ज्यादा कुछ नहीं लगा। एक्चुअली कुछ लगा ही नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तभी खुश हो गए, वरना सुबह से तो मेरे बच्चे। हेलो गाइस, माया आ गई है। और माया क्या खा रही है? मुरमुरा विथ गोभी सब्जी, मोस्टली ओडिशा में, वेस्टर्न ओडिशा में है ना। मुरमुरे के साथ में सारी सब्जियां खाई जाती है, स्पेशली मूढ़ी मटन ग्रेवी, करी, करी मटन का करी और मुरमुरा, मुरमुरे के साथ में ये वाला जो हम लोग ये प्राण का लाते। तो तू भी माया वेस्टर्न ओडिशा ना, सोनपुर, तो इसलिए माया जब भी आती है, अगर राइस कम हो, जैसे कि आज था राइस कम, उसमें से भी हनी पनी ने उससे ले लिया, तो वो मुरमुरे के साथ में खा रही है। और उसका तो ट्रेडिशन है, कई बार खाने के जाने से पहले वो घर पे खा के जाएगी, पता नहीं कैसे। घर का रिचुअल्स पहले खत्म करो, घर का रिचुअल खत्म करो फिर जाके बाहर खाओ। तो वो कर रही है। एंड सिम्बा हमारा उधर है, तो माई को देख के हनी बनी भी अपना पफ राइस थोड़ा सा और चावल खाया, तो कार्टून में खो गए वो। सिम्बा वेबो पूरा पापा की परी हो गई है, गुड़िया जीत को छोड़ती नहीं, जैसे वो घर आएंगे वो उठा ले मुझे, प्यार कर ले थोड़ा। पापा की परी कॉलेज से आए अभी। देख कैसे हो रही है, देखो जीत के पास 360 डिग्री। देखिए ये मैं दो ड्रेस लेके आई थी, एक ये जो अभी माया ने पहना है, मतलब एक भाभी का और एक माया का। तो माया बोल रही है मैं दो पहन के देखती हूँ, जो चल गए कि दोनों का साइज सेम है, थोड़ी सी मोटी हो गई है इसलिए, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। और भाभी का खाली, भाभी का हाइट तेरा हाइट सेम है? सेम है ना, तो फिर तो ठीक है। ये खाली एक बार ट्राई कर देना, फिर एक बार और पहन चुकी ऑलरेडी, सॉरी। और एक है ये वाला, ये वाला मैं माया के लिए सोच के लाई थी, क्योंकि वो बहुत मतलब गोरी है ना, तो उसको ये वाला कलर सूट करेगा, बट वो बोल रही मैं ब्लैक लूंगी। ये वाला सेम था मेरे पास, ब्लैक ब्लैक बैड मेमोरीज। अभी जीत ने मेरे साथ चैलेंज लगाया कि तेरे भाई भाभी लेट होंगे, मैंने बोला नहीं वो आ गए होंगे, तो देखे तो मेरे मायके वालों ने मेरे नाक काट दिया, वो लेट हो गए। मैं कुछ नहीं बोली थी, मुझे पता लगा भैया से ही बोल रहा है, मेरा नाक काट दिया, कटवा दिया। अच्छा, सूरपुर में था,
चले हम चलो 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 माया ने बोला, मैंने बोला माया कि शाम को गोलगप्पे खाने चल रहे हैं, तो माया ने बोला, माया ने बोला कि मैं वापस आऊंगा और बोलूंगा कि तो अगर गाड़ी सच में लगी, इसे देखा जाए एक्चुअली कुछ लगा नहीं। माया ने क्या बोला सुनो, सोनू गाड़ी को बिल्कुल ऐसे रखना वैसे रखना, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। माया मुझे बोली कि नानी आप आ जाओ, मुझे पिक कर लो और हम साथ में चलेंगे गोलगप्पे खाने, मतलब हम तीनों बस, भाभी मैं और माया गर्ल्स आउटिंग। मैं कहा मैं मीना बाजार के अंदर गाड़ी नहीं घुसाऊंगी, ऑलरेडी आज सुबह गाड़ी ठुक गई है और मीना बाजार में गाड़ी घुसाऊंगी। तेरी किस्मत अच्छी जो साइकिल का जरा सा जो जरा सा तेरी गाड़ी की हाइट ऊंची है, नीचे हल्का सा ऐसे लगा तो हाँ। पता, मुझे लग रहा है हाइट की वजह से वो सेंसर भी उसको भी पता नहीं चला क्या, ये क्या घटिया सेंसर है हाइट की वजह से पता नहीं चलेगा। नहीं आज दीदी ने कुछ से गाड़ी एक, एक, मैंने बोला मैं तो मैं अगर आपने वो ठोका होता तो मैंने ठोका होता वही मैं बोल रही हूँ, तो मुझे ठोक ठोक से पागल कर दिया। सुनो आपने कितनी बार हमारे व्हाइट वाली गाड़ी ठोकी है, हमारी गाड़ी थी ना ये तो मेरी गाड़ी, तब तो एक ही गाड़ी था ना, तब तो वही मेरी गाड़ी था वही हमारी गाड़ी था, अब दो गाड़ी बोला आपने ये मेरी गाड़ी है, अमृत झड़ रहा है नया गाड़ी के बाद, ये आपका गाड़ी है मेरा गाड़ी है बोल रहे हो। मुझे एक साल लग गया गाड़ी ठोकने में, संग्राम को पूछो आते के साथ ही गाड़ी ठोक दिया था, गाड़ी की हालत ही नहीं है। संग्राम को मिले आगे गाजोड़ा जाता था तो खराब हो जाता था, तो अध्याय आई है और तो रात्रि हम संग्राम तो आते के साथ ही उसने ठोक दिया था। माया क्या हो गया, बिंदी लग गई, वो जा रहा है धीरे धीरे निकल रहा है, बिंदी परमानेंट लग गई। संग्राम आ गया वहां पे, उसको भी फाइन आया है, संग्राम को बैच फाइन आया है, संग्राम को बैच फाइन आया है, पार्टी फाइन वाइन नहीं आना चाहिए, फाइन बहुत घटिया। हाँ हाँ वही चीज मैं बोलूँ तो आप जो इतना फाइन लगाते हो, कौन सा फाइन लगाता हूँ, अभी 800 ग्राम हो गए हैं ऑलरेडी, जनवरी में जाके आपका रजिस्ट्रेशन है, आधा महीना साल हुआ है आपके 800 ग्राम ऑलरेडी फाइन आ चुके हैं। हाँ हर साल तो 1500 फाइन देते हो, ऑलरेडी 1300 ग्राम होते हैं। मतलब जनवरी तक आप 3000 तक फाइन लेकर दोगे इस बार, हर साल इतना फाइन देते हैं। जैसे देविका ने सुनो, देविका का रजिस्ट्रेशन नहीं उसका वो आया क्या नाम है, अरे क्या है वो लाइसेंस, लाइसेंस एनिवर्सरी आया तो मतलब एक लाइसेंस को एक साल हुआ, तो तन्मय ने बोला कि लाइसेंस को तेरे एक साल हो गया तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, देविका ने बोला मेरा सारा फाइन भर दे। 3000 का फाइन था उसका, इसमें सब कुछ बड़ा करना होता है, छोटा कुछ नहीं करना है, 3000 का फाइन था, फाइन भर दे सारा बेचारा। बेबो को देखिए जय हो पोजीशन में, आंख बंद कर दिया उसने। बेबो को कल डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसके आंखों में से थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी निकल रहा है, उसको डॉक्टर दिखाना है। जी हम भाभी ननंद को बोल रहे हैं डब्बा, ये आ गए भाभी, ये आ गया भाई, और ये आ गई दूसरी भाभी, भाई भाभी नहीं है दोस्त है ये, दोस्त भाभी होते के साथ ही लोग पता नहीं क्या क्या बोलते। माया चाय पियेंगे कल छुट्टी कर लेते, माफ कर दो प्लीज, प्लीज माफ कर दो, ना मैं आती ना इतना कुछ होता, ना आपको चाय पीने का मन करता, ट्रॉल होगा चाय के लिए यार। चलिए गाइस आज अभी हम लोग जा रहे हैं अलकूज में, कुछ एक ओपन मार्केट लगा है जिसका बहुत वो इंस्टाग्राम पर रील वगैरह आ रहे हैं, तो देखने जा रहे हैं कि हम क्या है क्या नहीं है, है ना। अच्छा लगा तो बताएंगे, नहीं अच्छा लगा तो फिर भी बताएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे हम। तो अच्छा लगा तो बताएंगे, नहीं अच्छा लगा तो बताएंगे ही ना, क्योंकि हम जा रहे हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि ब्लॉग ये वाला बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक बाय 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 बाय। You want to say something? Sorry, hello. Blog end? Blog end. Sorry. Okay, bye. Bye, bye. No, sundar. Masjid. Jee light logging ki na se, light aur shadow ko kamti combine kar. Bahut sundar.